लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही हमीरपुर जिला कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसी के चलते सर्किट हाउस परिसर में लोकसभा चुनावों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई। कार्यकर्ताओं की बैठक में विशेष तौर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने शिरकत की। केवल सिंह पठानिया ने बैठक में बीजेपी सरकार और सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लोकसभा चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए कहा। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पुलवामा में हुई आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई है और पीएम के द्वारा वर्तमान स्थिति का सामना नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी सरकारों ने ऐसी स्थिति का समाधान किया था। और मैं कहता हूं जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो खासकर जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें बिल्कुल जो है वो फेल हुई है। आपने देखा होगा चंद दिन पहले जो घटना घटी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, राहुल गांधी जिन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि दी, पूरी पार्टी उनके साथ है। लेकिन जिस तरीके से मैं कहता हूँ ये केंद्र के प्रधानमंत्री से ये जो है वर्तमान स्थिति हैंडल नहीं हो रही है। बहुत पहले 75 में भी हुआ, 71 में भी हुआ, कई लड़ाइयाँ हुई। इसके साथ साथ मैं तो आज याद दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, अगर आप तुलना करें शहीदों की संख्या देखें तो कहाँ 139 और कहाँ 1250। तो इससे लगता है कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री उनकी प्रशासन में भी अब कोई नहीं मान रहा है। वो अच्छे तरीके जाने जाते हैं कि निकट टाइम में, आने वाले टाइम में जनता जो है वो फैसला देगी। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बैठक में सुझाव लिए गए हैं ताकि संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस कमेटी एक्शन प्लान तैयार करेगी ताकि बीजेपी को परास्त किया जा सके। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की नाकामियों को घर घर ले जाया जाएगा और प्रदेश सरकार के एक साल के कार्यकाल किए गए मामलों को भी लोगों के समक्ष रखा जाएगा। जिला हमीरपुर में संगठन को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जाए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने सुझाव रखे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने स्थान चुनाव रखे, स्थानीय नेताओं ने अपने सुझाव रखे। निकट भविष्य में ये मैं ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यकर्ताओं की बैठक लूँगा। और मेन अहम मुद्दा आज लोकसभा के चुनाव हमारे सिर पे हैं। लोकसभा के चुनाव को लेकर आने वाले समय में जिला कांग्रेस कमेटी एक एक्शन प्लान तैयार करेगी और हम हिसाब किताब मांगेंगे। अब उसमें आ गया आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो हमीरपुर हो, देश की जनता हो, प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उन वादों पे हम एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान जिला हमीरपुर के अंदर भी तैयार करेंगे, जहां केंद्र सरकार की नाकामियों को हम घर घर तक लेके जाएंगे। वहां वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है जिसको 100 साल हो गया, उसने चाहे वो बढ़ता हुआ बस कराया हो, चाहे वो हमीरपुर जिले के साथ भेदभाव हो। केवल सिंह पठानिया ने सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव सिर पर है तो बीजेपी केंद्रीय विश्वविद्यालय का नीम पत्थर केंद्रीय मंत्री से रखवा रही है। उन्होंने कहा कि 15 सालों का सांसद अनुराग ठाकुर का हिसाब मांगा जाएगा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। लोकसभा का चुनाव है, अब समय आया है जो वर्तमान में सांसद है उस सांसद को लेकर भी ब्लॉक अध्यक्षों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। तो सांसद से भी हम जरूर हिसाब किताब मांगेंगे कि पिछले 15 साल का आपका जो वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड को जो है लोगों के सामने वो रखे। और कांग्रेस पार्टी जो उनकी 15 साल के यहाँ के इस लोकसभा को लेकर उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को लेकर जो है जनमानस में जाएगी। और हम एक मैं कहता हूँ कि जो केंद्र सरकार की खासकर जो नाकामियाँ हैं उनको लेकर, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, आज मैं आपको बताऊं अब चुनाव आया, चुनाव खत्म होने, चुनाव सिर पे आ गया है, कल केंद्रीय मंत्री जो है वो देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का वो अच्छे नीम पत्थर रखने आ रहे हैं, जनता अच्छे तरीके से जानती है। तो ये संगठन की रणनीति और आने वाले समय में चाहे NSCI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे डिपार्टमेंट हो, उनकी मैं मैराथन बैठक लूँगा और उस बैठक में हम आने वाले टाइम में एक महीने का जो एक्शन प्लान है हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी किस तरीके से काम करेगी उसको आगे करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, वरिष्ठ कांग्रेसी सुरेश कुमार, अनिल वर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, विवेक कटोच, राजीव राणा आदि मौजूद रहे।